पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिनेगॉग है, माय थर्ड ग्रेजुएशन। हमें तो देख के कोई पूछ भी नहीं रहा, कुछ ले लो। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुडापेस्ट हंगरी। लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, लास्ट डे हियर एट बुडापेस्ट। काफी लंबा ट्रिप रहा, करीब एक हफ्ते का, विच वी एक्सप्लोर अराउंड 4 कंट्रीज इन लाइक 1 वीक विद मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व। सब कैपिटल थी एज यू हैव गेस्ड। हमारे सारे बैग्स पैक हो चुके हैं, वी आर रेडी फॉर चेकआउट एंड वी आर रेडी टू गो टू अवर होम्स। तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम बुडापेस्ट टू बॉन बाय टेकिंग रायनेयर फ्लाइट। तो आपको मैं उसका एक्सपीरियंस बताऊँगा। And they are taking train back to München from Budapest through Deutsche Bahn. अभी हो रहे सुबह के 10:15, हम यहाँ से निकलते हैं और साथ में आपको ले चलते हैं। Let's go. So guys, checked out from the hostel. और हमारे हॉस्टल का नाम था सिनेगॉग प्रीमियम हॉस्टल, क्योंकि ये एकदम सिनेगॉग के सामने था, जो पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सिनेगॉग है। और इफ़ पीपल डजंट नो व्हाट सिनेगॉग इज, जैसे हिंदू के टेंपल होते हैं वैसे ही सिनेगॉग जूश पीपल का है, वेयर दे गो एंड प्रे। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो घर के पास तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि बहुत दूर जाना है तो फिर एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो जाते जाते एक्सप्लोर कर लेंगे सोचा था, हम वही जा रहे हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं बुडापेस्ट के मेन सेंट्रल स्टेशन में। तो अभी हम जा रहे हैं बेसिकली बैग लगेज ड्रॉप करने के लिए इन दोनों के, क्योंकि लगेज लेके कहाँ ही घूमेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेन यहाँ से ही है। तो मैं बस यहाँ पे इनको सपोर्ट इनके साथ आ गया, लगेज ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। हम इस स्टेशन के लगेज सेक्शन में आ गए थे, पर व्हाट अबाउट दिस, हर जगह ऑयल पेंटिंग वॉल्स में बना रखी है एकदम म्यूजियम की तरह। तो काफ़ी सुंदर है यार ये स्टेशन भी। बैगेज ड्रॉप डन इनका, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पीछे ही है, जो आप मेरे पीछे रैक्स देख पा रहे हो यहाँ पे। तो 1200 हंगेरियन करेंसी में, पर 4 यूरो अगर यूरोस में पे करना चाहते हो। तो इधर बैग ड्रॉप कर दिया, अब चलते नेक्स्ट जगह। तो गाइस, हम सेंट्रल स्टेशन से निकल गए थे, हमने सोचा कि सेंट्रल मार्केट ऑफ बुडापेस्ट पर चलते, पर हमें चलते चलते रास्ते में बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट भी दिख गई। क्या बताऊँ, हर कॉर्नर में एक एक चीज़ है यार, बुडापेस्ट नहीं होगा खत्म ऐसे तो। पर जितनी देख सकते हैं हमने देख ली इंपॉर्टेंट साइट्स। सही है, अगर आप यहाँ पे 3 दिन का ट्रिप बनाओगे तो बहुत सही दिखेगा। साथ में मुझे लगता है यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, क्योंकि सब यहाँ पे स्टूडेंट्स पीछे फोटो खिंचवा रहे हैं, शायद ग्रेजुएशन डे होगा। सही है, मेरा भी कुछ जल्दी यहाँ पे ग्रेजुएशन होने वाला है, और उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, माय थर्ड ग्रेजुएशन। चलो देखते हैं, अभी काफ़ी टाइम है उसके लिए। तो गाइस, ये जस्ट मेरे पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट, और उसके ही सीधे तरफ जाओगे तो ये सेंट्रल हॉल मार्केट ऑफ बुडापेस्ट। चलो अंदर चलते हैं। तो सेंट्रल मार्केट हॉल यहाँ की लोकल मार्केट की तरह है, जो एक पूरी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, जैसे हमारी पालिका मार्केट जो अंडरग्राउंड में बनी हुई है वैसे। पर ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक है, तो आपको बस रेफरेंस के लिए बताता हूँ। यहाँ पे हम कुछ लेंगे नहीं, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, और आप भी शॉर्ट्स देखो इसके। भाई टूरिस्ट तो यहाँ पे भर के हैं, हर जगह से हैं यहाँ पे क्या। और हितांश कह रहा है हमें तो देख के कोई पूछ भी नहीं रहा, कुछ ले लो। ठीक है गाइस, इनको बाय बाय करने का टाइम आ गया, तो इनसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और मैं जाता हूँ 8 की तरफ, और तुम दोनों कब पहुँचेंगे म्यूनिश? रात। ठीक है, तो फोटोज भी ले लेते हैं ऐसे ही। ओके ओके ओके, पहुँच गए हम एयरपोर्ट ऑफ बुडापेस्ट। अभी फ्लाइट देखते हैं हमारी कहाँ से है, और चलते हैं उसकी तरफ। डन विद द सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होती। जब आप आपस में यू में चक्कर काटते हो, तो मेरी भी नहीं हुई इमिग्रेशन। डन विद द सिक्योरिटी, अब मैं घूम रहा हूँ इनके ड्यूटी फ्री सेक्शन में, एंड कुछ लेना तो होगा नहीं मेरे को यहाँ से। तो अभी आगे चलते हैं गेट की तरफ। तो गाइस, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ था, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा था, जो आज मैं रिलीज़ करने वाला हूँ एक। बट यहाँ पे जो बोर्ड्स है उसे मैं जो सारे डेस्टिनेशंस देख के, जैसे पेरिस जा रही है यहाँ से फ्लाइट, बार्सिलोना, बाजल, इस्तानबुल, जब इंडिया में बैठ के ऐसे देखा करते थे, ऐसा लगता था यार काफ़ी मुश्किल होगा वहाँ पे जाना। अब यहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है वैसे टिकट ही तो कटवानी है, कभी भी चले जाओ, सारी चीज़ें पास ही लगती हैं। मेंटली ऐसा सोच के अजीब लगता है, ये तो दूर होंगी, ये तो दूर होंगी, पर नॉर्मली ये दूर नहीं है,
मुझे बस एक टिकट कटवानी है और मैं पहुंच जाऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कब होती है, सून एक प्लान है, टिकट्स कटती है आपको बताता हूँ। लेट्स बोर्ड द फ्लाइट गाइस। तो गाइस वी आर फाइनली रीच्ड बैक होम हियर इन बॉन। ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म करते हैं, टोटली वर्थ इट। पूरा यूरो ट्रिप मार लिया मैंने ईस्ट यूरोप का। वी हैव सीन द म्यूनिक ज़ुगस्पिट्से, द प्राग, वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, ऑल इन लाइक वन वीक और सो। और ये सारे ब्लॉग्स होपफुली आपने भी एंजॉय किए होंगे जितना मज़ा मुझे बनाने में आया, जितना मज़ा मैंने पूरा ट्रिप में किया वो थोड़ा सा भी मैं अगर 1% भी आपको भी वो दिखा सका तो मेरे लिए वो ग्रेट सक्सेस। पर ये वाला ब्लॉग भी यहीं तक रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी हेक्टिक रहा आपने भी देखा। तो फिर अनटिल नेक्स्ट टाइम, तो अगर कुछ पसंद आया तो कमेंट कर देना, ना पसंद आए तो उसका भी कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग्स में। घर के व्लॉग्स कैसे रहते हैं आपको भी पसंद आते नहीं आते, बट अंटिल देन सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड टडा। वर्ल्ड के बिगेस्ट में जाएंगे जो इज़राइल में है।